अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। जैसा कि गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक ड्राइवर ने अपनी मैडम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और फिर उसके बाद उसके कफील को ये बात पता चली तो उसके साथ ड्राइवर के साथ बहुत ही बुरा हुआ। आप लोग ये गलती मत करना, जितने भी लोग हाउस ड्राइवर में काम कर रहे हैं आप लोग ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर आपकी मैडम कितनी भी अच्छी हो, आपका कफील कितना भी अच्छा हो, आपकी मैडम से बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करना कि अपनी मैडम की वीडियो बनाकर जो है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अपनी मैडम के साथ वीडियो बनाकर, ठीक है? ऐसी गलती मत करना वरना आपका कफील, या अगर आपका कफील और आप अगर दोनों राजी हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप डालोगे तो चल सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसी गलती मत करना। क्योंकि ये ड्राइवर जो था मैडम से तो अच्छी बनती थी लेकिन कफील को नहीं पता था कि इन लोगों के क्या है क्या नहीं है, और ये जो है वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और उसका कफील भी वो वीडियो देख लिया। मैं ये वीडियो चाहता तो आप लोगों को साइट में स्क्रीन पे शो कर सकता था, लेकिन मैं ये वीडियो शो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर मैं ये वीडियो शो करूंगा, चालू करूंगा, तो ये भी एक तरीके से वायरल होगी और हो सकता है मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो नहीं शेयर कर सकता हूं। ठीक है गाइस, कल की वीडियो जो मैंने आप लोगों को दी थी छूट में, कोई छूट में घर जाने के लिए व्हाइट पासपोर्ट वाले को, उस पे जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट है, तो आगे आप लोगों को उस सारे चीजों का भी जवाब मिलेगा। लेकिन मैं स्टार्टिंग में इसलिए ये चीज बताया हूं कि जितने भी कुवैत में हाउस ड्राइवर या किसी भी गल्फ कंट्री में हाउस ड्राइवर, कुवैत है या सऊदी अरबिया में है या कतर में है या दुबई में, कहीं पे भी अगर आप लोग हाउस ड्राइवर में काम करते हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है गाइस, जैसा कि इस ड्राइवर के साथ अभी क्या क्या हुआ मुझे तो खुद भी नहीं पता है क्योंकि मेरी इससे बातचीत तो नहीं हो पाई है, ठीक है? लेकिन एक दोस्त ने मुझे बताया है कि ये जो ड्राइवर है मेरे ही आसपास का, क्योंकि जब कोई चीज सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सबके पास वो वीडियो पहुंचने लगती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि अब इसका कफील जो है इसको पकड़ के लेके गया, हो सकता है कि आगे जेल वोल क्या भी, या तो हो सकता है उसको घर भेज दिए, जो भी उसके साथ होगा। खैर, मतलब कि ये बस इस ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, बताने का मकसद सिर्फ यह था कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट की तरफ। एक भाई का कमेंट है, एलके लुधियाना, भाई मैं तो इंडिया आ गया और मैं कुवैत में 18 मंथ काम किया और 5 मंथ भागकर काम किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम आराम से व्हाइट पासपोर्ट से आ गया। एलके लुधियाना जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया और आप जो है कि अच्छे से सही सलामत घर पहुंच गए। तो एक है, इन्होंने कमेंट किया राजेश, इनका कमेंट है, भाई मेरा मेडिकल होके 25 दिन हुआ था और मैंने कुवैती के घर से बाहर आ गया, कैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकामा लगा था या नहीं, कैसे पता चलेगा, क्या मैं घर जा सकता हूँ पासपोर्ट बना के? प्लीज रिप्लाई जरूर देना ब्रो। तो आप घर जा सकते हो, व्हाइट पासपोर्ट बना के आराम से घर जा सकते हो, बस अगर आपको अपना इकामा का पता लगाना है कि आपका इकामा बना था कि नहीं बना था, तो आप लोग एक बार रेसिडेंसी अफेयरेंस में जाइएगा, वहां पे जो है आप अपना पासपोर्ट से ही आपका पता चल जाएगा, जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रहा होगा उसका नंबर वंबर या फोटोकॉपी आपकी रही होगी तो उससे आपका पता चल जाएगा कि आपका इकामा बना था कि नहीं बना था, ठीक है? एक भाई का कमेंट है, सलाम वालेकुम भाई, आपका नंबर दे दो, आपसे बात करना है। नंबर आप लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, ठीक है? वहां पे आप लोग अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। साहिल पासा, भैया मगर मैं रहूंगा कहां, मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरा कोई भी नहीं है यहां, आप मदद कर दो प्लीज भैया। भाई इंडिया एम्बेसी में जब आप जाओगे तो ये तो रहने का आपको ही इंतजाम करना पड़ेगा, आप काम कर लो कुछ दिन और पैसे जुटा लो, ठीक है? तमंग जी फिर कमेंट किए हैं, मैंने कोई मोबाइल चोरी नहीं किया फिर भी केस डाल दिया, मेरे ऊपर 5 साल हुआ, अभी मेरा पूरा एम्बेसी एंड स्टम्प भी लग गया, अब मैं टिकट लेकर घर जा सकते हूँ क्या भाई साहब? अगर आपके ऊपर चोरी का केस है, झूठा चोरी का केस है, जैसा भी चोरी का केस है, मोबाइल का चोरी का केस है आपके ऊपर, झूठा केस है, तो फिर आप कोई बात नहीं है, आप स्टम्प लगवा लीजिए, आप आराम से चले जाओगे घर, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं होगा, आपका स्टंप हो गया है, टिकट लीजिए घर जा सकते हैं, ऐसे केस वालों को ज्यादातर रोकते नहीं है, ठीक है? इरशाद खान, इनका कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे को कुवैत में आए हुए 2 साल हो गया है, मेरा मेडिकल में प्रॉब्लम था
थी इसलिए मेरा अकामा नहीं लगा, मेरा वाइट पासपोर्ट स्टंप लग गया है, क्या मैं इंडिया जा सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई। भाई आप इंडिया जा सकते हो, आपका एकामा नहीं लगा है तो आपका वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा एकामा से रिलेटेड, ठीक है। आप जो है कि जाइएगा एयरपोर्ट पे, अपना पासपोर्ट दीजिएगा, बसरते आप जो है एकामा ही नहीं आपके पास तो आपको ना कोई फाइन होगा ना कोई केस होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप अपना पासपोर्ट दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका वहां से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। फरहान खान, भाई मेरा एकामा नहीं है, मेडिकल फिंगर कराया पर एकामा नहीं दिया, मैं भी कहीं और काम कर रहा हूं, कुछ बताओ भाई। फरहान खान जी, आप कहीं और काम कर रहे हैं, आपका भी एकामा नहीं लगा था, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहते हैं आप, घर जाना चाहते हैं तो आप भी वैसी वाइट पासपोर्ट बनवाइए, जो प्रोसेस है पूरा वो कीजिए। बाकी आप जो है कि जब स्टम्प विस्टम्प कराने जाएंगे वहां पे भी बता दीजिएगा, सब कुछ बता दीजिएगा कि मेरा एकामा नहीं लगा था इस वजह से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है पेपर भी बन जाएगा, स्टम्प भी लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह आप चले जाओगे। मुस्तफा आलम, रिगाई जाने से काम फिनिश नहीं होगा क्या, इकामा का डेट बाकी है, वाइट पासपोर्ट आ गया है हमारा। देखो रिगाई जवाजात में जाएंगे तो आपका वहां से स्टम्प सब कुछ लग जाएगा, ठीक है। और रही बात इकामा में डेट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इकामा में डेट है, तो देखो कुछ लोगों का इकामा में डेट है, उनका भी स्टम्प लग चुका है और वो एयरपोर्ट से घर भी चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इकामा में डेट है तो उसको जो है स्टम्प भी नहीं लगाते हैं और जो है कि एयरपोर्ट में भी उसको बोलते हैं कि टिकट कैंसिल कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, या तो कहते हैं इकामा कैंसिल कराओ, या तो फिर ऐसा जो है कुछ ऐसा भी रहता है। लेकिन ये सारे लोगों का नहीं है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो वैसे आप ट्राई कर सकते हो। क्या नाम है, जफर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मेरा वाइट पासपोर्ट बन गया है, अब मैं मेरा कुवैती इकामा लगवाने के लिए बोल रहा है, क्या अब इकामा लग जाएगा, बताना जरूर भाई। आपका वाइट पासपोर्ट बन गया है और आपका कुवैती इकामा लगवाने के लिए बोल रहा है तो आपका कुवैती जो है अगर आपकी हेल्प करेगा तो आपका इकामा लग जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। जिस पर गरामा है वो कैसे जाएगा, गवर्नमेंट का गरामा है, मेरा 18 नंबर वीजा है जो खत्म हो चुका है, जवाजात वालों ने गरामा बता दिया है। जवाजात वाले ने गरामा बता दिया है तो भाई आपका जितना भी गरामा हो, जिस चीज का गरामा हो, आप उसको भर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ही आप जा सकते हो, ठीक है। अगर जवाजात वाले ने गरामा बताया हो है और आपको बोला है कि गरामा भर के जाइए तो फिर आपको गरामा भर के जाना पड़ेगा, और अगर जवाजात वाले ने बोला है कि गरामा है लेकिन आप सफर जा सकते हो तो फिर आप बिना भरे भी जा सकते हो। तो आपको जवाजात वाले ने क्या बोला है आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। एक भाई का कमेंट, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 12 फरवरी का अकामा एक्सपायर हो गया है, मुझे एयरपोर्ट पर जाने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मेरा 18 में कुवैत को टिकट हो गया है, साहिल भाई आप मेरा कमेंट को जवाब दीजिएगा। आपका एकामा एक्सपायर हो गया है कोई मसला नहीं है, आपके पास एकामा का फोटोकॉपी है या साहिल सॉरी मोबाइल आईडी में उसका है, जो भी आपके आपका सिर्फ एकामा का फोटो भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। आप जाइए एयरपोर्ट पे, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, देखो एयरपोर्ट से जाने में जो जिसका एकामे की बात करूं, केस की बात करूं, और एकामा एक्सपायर है या वैलिड है इसकी मैं बात करूं, जो 18 नंबर वीजा वाले हैं इनको ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। बाकी अगर जितने खादिम वीजा वाले हैं उनका अगर एकामा में एक्सपायरी हो गया है या डेट है तो उनको भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उनको कैंसल वैंसल करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, सारा कुछ उनका हो जाता है, उनको भेज दिया जाता है। लेकिन 18 नंबर वीजा वाले सोन वीजा वाले के लिए थोड़ा सा ये मसला हो जाता है कि उनको जो है एकामा कैंसिल करवा के जाना पड़ता है, ठीक है। जितने भी सून वीजा वाले उनको अपना एकामा कैंसिल करवा लेना है अगर आपके एकामा में डेट है तो, और एक्सपायर हो गया है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की ये वीडियो थी, और जो स्टार्टिंग में मैंने हाउस ड्राइवर के लिए जो बताया है वो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये सारी चीजें आप ना करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।